हाँ, रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या बताया गया था? रैंक का मतलब क्या बताया गया था? काफी दिन होली में बिल्कुल खापी के बराबर कर दिए होगे ना। रैंक का मतलब क्या होता है? मतलब नहीं, हम अगर हम बिल्कुल सस्ती भाषा बताएं कि सस्ते में उसका मतलब क्या होता है, ऐसी नंबर ऑफ रोज या कॉलम्स जो नॉन जीरो हों। जैसे कोई मैट्रिक्स दी हुई है, आपने क्या किया उसके रोज को जीरो बना दिया, ठीक है। अब कुछ ऐसी रोज हुई जो जीरो नहीं बन सकती, किसी भी तरीके से नहीं बना सकते हैं, तो सस्ती भाषा में बता रहा हूँ, सस्ते में, कि उसको रैंक कहते हैं। और रैंक का मतलब ये नहीं होता कि भाई आप ये अगर एग्जाम में लिखने को आ जाएगा तो आप कहेंगे सस्ती डेफिनेशन, नंबर ऑफ रोज जीरो हो जाए, तो ऐसा नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। तो उसमें एक मेथड हमने बताया था, माइनर मेथड बता दिया था। आज हम बात कर रहे हैं एचलॉन फॉर्म। तो देखिए, हमने बताया था कि जैसे कोई मैट्रिक्स दी हुई है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लिया था हमने, मान लेते हैं कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि एक मैट्रिक्स दी है 1 2 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1, ऐसे लिखी हुई है, ठीक है। अब अगर आप इसको जीरो बनाना चाहते हैं, हमसे उससे मतलब नहीं जीरो होगा नहीं होगा, नहीं उससे मतलब नहीं है, हमको इसका एक ऐसा माइनर तलाशना पड़ेगा, मतलब कितने बाय कितने का हो सकता है, 2x2 का हो, जो भी हो, जो नॉन जीरो हो। अगर हम देखें, पहले तो इसकी पूरी वैल्यू निकाले, डिटरमिनेंट वैल्यू निकल ही पाएगी पहली बात तो। अगर हम एक माइनर इसका ये ले लें तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या निकलेगी, 1 माइनस 1 माइनस 2, यानी कि सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 0 माइनस 2, यानी कि -2 आएगा, ठीक है, इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो रैंक निकालने के लिए हमने क्या कहा था, सबसे पहले जो भी मैट्रिक्स लिखी होगी, अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो पहले आप उसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। मान लेते हैं आपकी मैट्रिक्स 3x3 की है, ठीक है, तो आप उसकी डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। अगर डिटरमिनेंट इसकी 0 नहीं आती है, तो इसका मतलब उसका ऑर्डर के उसकी रैंक क्या होगी, 3 हो जाएगी, बताया था हमने। अगर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ जाती है, तो डिटरमिनेंट 0 का मतलब बताया गया था कि डिटरमिनेंट की एक प्रॉपर्टी थी कि डिटरमिनेंट की कोई भी एक कंप्लीट रो या एक कंप्लीट कॉलम अगर 0 है, तो उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होती है, बताई गई थी। तो अगर डिटरमिनेंट 0 आ रही है, इसका मतलब ये होता है कि उस डिटरमिनेंट की एक रो 0 हो जाएगी, कहीं ना कहीं से हो जाएगी। तो अगर उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो आप कहेंगे उसकी रैंक 3 नहीं होगी, ठीक है। अब आप कहेंगे इसकी निकालो, आप इसकी नहीं निकाल सकते हम, क्योंकि डिटरमिनेंट वैल्यू उसकी निकलती है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। तो अगर 3x3 की मैट्रिक्स की डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आ जाती है, तो इसका मतलब उसकी रैंक 3 नहीं होती, इसका मतलब उसकी रैंक 3 से थोड़ा कम होगी। तो क्या बताया गया था कि उसकी कोई सब मैट्रिक्स निकालिए जिसको माइनर कहते हैं, मान लीजिए ये माइनर हमने निकाल लिया, तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आ रही है, -2 आ रही है ना, यानी 0 नहीं आ रही, तो इसकी रैंक क्या हो गई, 2 हो गई। नहीं, -2 तो वैल्यू आई है, रैंक 2 हो गई। लेकिन ये जो रैंक निकालने का तरीका है ना, तो हमने कहा कि आपको ऐसा करिए कि आप डिटरमिनेंट वैल्यू निकालिए, उन्हें 5x5 की दे दी मैट्रिक्स, हालत ख़राब हो गई तुम्हारी भाई। अगर हमने 5x5 की दे दी आपको, मतलब 5 रो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 रो हैं, 5 कॉलम हैं, निकालो डिटरमिनेंट वैल्यू, नहीं मान लीजिए 0 आ गई, तो बोले 5 नहीं होगी, 4x4 छांटो, तो दिक्कत होगी ना। तो बड़ी मैट्रिक्स अगर है, तो उसमें हम एक फॉर्म लेते हैं एचलॉन फॉर्म। कुछ लोग उसको एक्लॉन फॉर्म कहते हैं, कुछ लोग एचलॉन फॉर्म कहते हैं। एग्जाम में कौन तुमको प्रोनाउंस करना है, तुमको तो लिखना है, तो यही स्पेलिंग लिख लेना, ठीक है। क्या होता ज़रा समझिएगा। देखिए, एचलॉन फॉर्म होता क्या है, अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी लिखी हो जिसका पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, होना ही चाहिए, ध्यान रखिएगा, पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, 1, इसके बाद कुछ भी हो सकता है, इसके बाद कुछ भी हो कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ता, कितने ऑर्डर की है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद 1 के नीचे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसके बाद क्या होना चाहिए, अगर इसके बाद 1 होना चाहिए, इसके बाद जो भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके नीचे क्या होना चाहिए, 0, इसके नीचे क्या होना चाहिए, 0, फिर क्या होना चाहिए, 1, इस प्रकार से इसके नीचे ऐसे ही बनाते चले जाएंगे और लास्ट, हाँ नहीं उससे कोई फर्क, मतलब पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट है 1 होना चाहिए। हमने क्या कहा, पहला नॉन जीरो एलिमेंट 1 होना चाहिए, उसके बाद क्या है कोई फर्क नहीं पड़ता।
मतलब इसके बाद जीरो हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई मतलब नहीं हमको है। ये वन आए ना, क्या आ जाए, ये जीरो आ जाए। अगर हाँ बता रहे हैं, अगर ये जीरो हो तो इसके बाद नॉन जीरो जो होगा वो वन होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा एम क्या होगा, इसको कहते हैं एचलॉन फॉर्म। इसके बाद हम इसमें करते क्या हैं, ऐसी रोज निकालते हैं जो कम्प्लीटली नॉन जीरो हो जाए, ऐसी रोज होंगे जिनको आप जीरो नहीं बना सकते, ठीक है। तो वही उसका रैंक हो जाता है, तरीका समझ में आया, ठीक है। लास्ट में क्या आएगा, ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, ये जीरो भी हो सकता है वन भी हो सकता है, ठीक है। कंप्लीट जीरो अच्छी बात है, यानी पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए, वन, उसके नीचे सब एलिमेंट ज़ीरो। सेकेंड रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट वन होना चाहिए, मतलब यहाँ पर अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो वन हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए किसी भी रो में, किसी भी रो को आप माइनस कर सकते हो, किसी भी रो में कोई ऑपरेशन कर सकते हो, लेकिन ऑपरेशन रो में ही होगा, ऑपरेशन कॉलम में नहीं होगा। तो इसको कहते हैं एचलॉन फॉर्म। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, उसको एचलॉन फॉर्म से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए देखिए, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाई एचलॉन फॉर्म। नियमता इंग्लिश नियम के अनुसार सी एच के बाद अगर कोई वॉवेल आता है तो इसको का पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना सी एच ही, तो एचलॉन फॉर्म होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग एचलॉन करते हैं। अब मजबूरी है, इनकी अम्मा ने जब नाम रखा था तो बता देना चाहिए था पूरी दुनिया को, लेकिन इनको क्या मालूम कि इनका लड़का जो बिस्तर गीला कर रहे थे दिन भर ही, वो बड़ा मैथमेटिशियन बन जाए, नहीं बता देते पूरी दुनिया को, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ पहले, देखिए ये क्वेश्चन है, ये एक मैट्रिक्स है 1 2 3 1, 2 4 6 2, 1 2 2 2, इसको कह रहे हैं फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स बाई एचलॉन एक्लॉन, चलो दोनों लिख दो जो नाम आप बताओ, एचलॉन भी कहते हैं, बार बार हम यही कह रहे हैं। मान लिया आपने कहीं पढ़े एचलॉन तो कहीं कौन गधा बताए, यो एक्लॉन होते, आपको एक्लॉन इन कौन गधा बताए, तो मजबूरी दोनों केस हम गधा ही बनना है, तो हम दोनों नाम लिए ले रहे हैं। देखिए इसको एचलॉन फॉर्म कैसे करेंगे, अब आप कहेंगे ये बताइए, इसको अगर सिंपल फॉर्म में कर दें कोई दिक्कत नहीं, अगर एचलॉन फॉर्म नहीं आया है तो मत करिए, लेकिन जब बड़ी मैट्रिक्स होगी तो आपको ये फॉर्मेट लगाना ही पड़ेगा, वो चाहे लिख के आवे चाहे ना लिख के आवे। क्या तरीका होता है, हमने कहा पहला एलिमेंट क्या होना चाहिए जो कि है, इसके नीचे क्या होना चाहिए जो कि नहीं है, करिए। इसके लिए ऑपरेशन हमेशा रो का ही होगा, ओनली रो ऑपरेशन, हमें केवल यहां पर रो ऑपरेशन ही करना है, यानी कि कॉलम का कोई छेड़खानी नहीं करेंगे कॉलम के साथ ऑपरेशन। देखिए क्या करेंगे बताइए, क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है कि सेकेंड रो में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके यहां माइनस कर दें क्या हो जाएगा, ये जीरो। हम इसको नहीं देख रहे हैं, हम केवल इसको देख रहे हैं, और अगर इसको ऐसे ही माइनस कर दें क्या हो जाएगा, जीरो। यानी हम ऑपरेशन किस में करेंगे, सेकेंड रो में, क्या करेंगे सेकेंड रो में, माइनस करेंगे 2 times ऑफ फर्स्ट रो, एक तो ये ऑपरेशन करना है, ऐसे लिखते थे ना। दूसरा हम क्या करेंगे, थर्ड रो में ऑपरेशन करेंगे, क्या करेंगे थर्ड रो में फर्स्ट रो माइनस कर देंगे, यानी फर्स्ट रो के साथ कोई छेड़खानी हमको नहीं करनी है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये तो यही रहेगा 1 2 3 1। अब देखो इसको 2 times किया, यहाँ पर माइनस किया, ये क्या आ गया जीरो। इसको 2 times किया, या देखो इसको पहले लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा इसको पहले कर रहे हैं, बाद में 2 times करके इसको कर रहे हैं, तो जीरो आ गया। इसको 2 times किया माइनस किया जीरो आ गया, 2 times किया माइनस किया जीरो आ गया। इसको एज इट इज माइनस किया तो जीरो आ गया, जीरो आ गया। इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हाँ। और 2 times का मतलब क्या होता है, अरे भाई 2 times स्क्वायर अलग बात होती है, ठीक है। इसमें से इसको माइनस किया, देखो किसमें किसको माइनस किया, 2 में से 3 माइनस किया, ध्यान रखिएगा, तो ये माइनस 1 आ गया, और 2 में 1 किया तो ये 1 आ गया, ठीक है, नोट करिए इसको। इसके बाद क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जीरो वाली जो एलिमेंट मिले वो नीचे कर दीजिए, ठीक है। तो आप R2 और R3 को इंटरचेंज कर देंगे, तो कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है R2 इंटरचेंज बाई R3, ये इंटरचेंज कर दिया, तो ये A बराबर आएगा, यहाँ जगह है ना, तो R1 तो ऐसे लिखा रहेगा 1 2 3 1, इसको ऊपर लिख दीजिए 0 0 -1 1, ये आएगा 0 0 0 0, ठीक, ये कर सकते हैं, नोट करिए।
अब देख क्या ये एचलॉन फॉर्म में है, ये है दिखाई कम पड़ रहा है क्या? हमने क्या कहा, किसी भी रो का पहला नॉन जीरो एलिमेंट क्या होना चाहिए? वन नहीं है ना, एचलॉन फॉर्म ये नहीं है। तो क्या करेंगे आप, आर टू में एक काम करेंगे हम, माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम ये सब कर सकते हैं, किसी भी रो में कुछ भी कर सकते हैं, अपना पर्पस सॉल्व करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, 1 2 3 1 0 0 1 -1 0 0 0 0। अब क्या फर्दर पूरी कंप्लीट रो को जीरो किया जा सकता है? ये पहला एलिमेंट वन है ही, इधर देखिए इसके सभी एलिमेंट जीरो हैं, इसके नीचे इसका पहला नॉन जीरो एलिमेंट वन है, इसके नीचे एलिमेंट जीरो है, आगे कोई रो है नहीं। अब हम किसी भी तरीके से किसी भी रो को कंप्लीटली जीरो नहीं कर सकते, कंप्लीटली की बात हो रही है। अगर आपने इसको जीरो करने की कोशिश की तो ये भाई साहब चेंज हो जाएंगे, इसको छोड़ नहीं सकते। हमको एक चीज़ दिख रही थी, एक ने कहा भाई ये जीरो हो सकता है, भैया अगर इसको आपने यहाँ ऐड किया एक जीरो के लिए तो ये भाई साहब आके धमक पड़ेंगे। केवल रो ऑपरेशन होगा, कॉलम ऑपरेशन नहीं होना है, ठीक है? यानी कि मैं किसी भी तरीके से इसको जीरो नहीं कर सकता। तो कितनी नॉन जीरो रोज हैं हियर, है एक है नॉन जीरो मतलब तो कंप्लीटली जीरो, तो हियर टू रोज आर नॉन जीरो, नॉन जीरो, नॉन जीरो मतलब ये नहीं कि उसमें जीरो नहीं हो सकता है, कंप्लीटली जीरो नहीं है। सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, रैंक ऑफ ए कितनी हो जाएगी इसकी, टू हो जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा, आपको इसमें 2x2 का एक सब मैट्रिक्स मिल जाएगी जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं होगी। ढूंढ लीजिए आप, रैंक टू होने का मतलब होता है ये एचलॉन मेथड से, हम एचलॉन में फायदा ये है कि हमको बहुत बड़ा मैट्रिक्स सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? लेकिन अगर मैं रैंक टू कह रहा हूँ तो इसका मतलब इससे 2x2 की एक सब मैट्रिक्स होगी इसमें जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं होगी। देख लो ये दिख रही है आपको, इतनी देख लीजिए। अगर हम यहाँ पर एक सब मैट्रिक्स ले लें, ये 3 1 और 1 -1, उसकी डिटरमिनेंट निकालो कितनी आएगी, -3 -1 -4, नॉन जीरो है कि नहीं है? मतलब आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम में निकालना नहीं है। रैंक टू आने का मतलब ही होता है कि 2x2 की एक सब मैट्रिक्स इसमें होगी जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं होगी। समझ में आ गई बात? तो ये एचलॉन फॉर्म है, नोट करिए। देखिए क्वेश्चन, मैट्रिक्स है 1 2 3 0 2 4 3 2 3 2 1 3 6 8 7 5, और उन्होंने कहा एचलॉन फॉर्म से रैंक निकाली, और नहीं कहा उन्होंने, उन्होंने कहा फाइंड द रैंक, एचलॉन नहीं बोला उन्होंने। अगर आप अभी इसके पहले जो हमने फॉर्म बताया था, कौन सा फॉर्म था, माइनर फॉर्म, अगर माइनर से निकालने की कोशिश करिए तो ये कितने बाई कितने की मैट्रिक्स है, 4x4 की। तो पहले तो आप इसकी पूरी डिटरमिनेंट निकालिए, हालत ख़राब हो जाएगी। 4x4 की निकालिए डिटरमिनेंट वैल्यू, अगर डिटरमिनेंट जीरो हो जाती है तो इसका मतलब इस मैट्रिक्स का जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो कम से कम एक रो या कॉलम जीरो रहा होगा, तो अब उसकी रैंक 4 नहीं हो सकती। फिर क्या करेंगे आप, फिर आप 3x3 की निकालिए, कितनी भी, इतनी निकालिए, इतनी निकालिए, इतनी जितनी निकल पाए निकालो, ठीक है? फिर वो देखो कोई जीरो तो नहीं हो रही है, अगर वो भी सब जीरो हो रही है तो आप रैंक 3 नहीं होगी, 2x2 निकालिए। तो यही करते रहिए एग्ज़ाम में, और एक क्वेश्चन लगा के लौट आइए। तो आप इसको एचलॉन फॉर्म कहें या ना कहें, आप उसी फॉर्म से लगाएंगे इसको। ज़रा समझिएगा क्या तरीका एचलॉन का होता है, सबसे पहला एलिमेंट 1 होना चाहिए, है अगर ये 5 होता तो पहले 5 से सबको डिवाइड करते हम, इसको 1 बनाते ना, ये 1 हो गया, इसके नीचे क्या हो? ना ना नहीं, यहाँ ये नहीं करना है। अगर आप कोई चीज़ डिवाइड कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर भी देंगे मल्टीप्लाई बाहर, कर भी देंगे, मान लिया आपने कहा ठीक 5 से डिवाइड किया तो 5 से मल्टीप्लाई करो, पड़ा रहेगा वो, क्योंकि हमको तो रैंक उस मैट्रिक्स की निकालनी है ना, तो इसलिए वहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके नीचे क्या होना चाहिए, 0, इसको बनाया जा सकता है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ माइनस करो, 3 से करके यहाँ माइनस करो, 6 से करके यहाँ माइनस करो, दिख रहा है? वो लंबी वैल्यू हमको लग रही आएगी, ठीक है। पहले ऑपरेशन किस में करेंगे, आर टू में, क्या करेंगे, आर टू में करेंगे 2 टाइम्स ऑफ आर वन। आर टू पहले लिखेंगे, देखो तरीका क्या है,
इधर देखिए, ये पहले लिखेंगे फिर माइनस करेंगे फिर टू इंटू वन करेंगे, मतलब ये तो डायरेक्ट कर देंगे लेकिन बता रहे हैं क्या लिखा जाएगा। नहीं हाँ हाँ नहीं, गलती गलती कहाँ होती है, अगर आपने इसमें टू से मल्टीप्लाई कर दिया और टू माइनस टू कर दिया, टू से मल्टीप्लाई कर दिया फोर माइनस फोर कर दिया, एक अलग बात होती है। अगर यहाँ थ्री टू था सिक्स माइनस, अब सिक्स माइनस थ्री अलग बात होती है और थ्री माइनस सिक्स अलग बात होती है, इसलिए किसमें किसको माइनस करना है ये मालूम होना चाहिए। इसी प्रकार से हम आर थ्री में ऑपरेशन करेंगे, क्या आर थ्री में माइनस करेंगे थ्री टाइम्स ऑफ आर वन, आर फोर में ऑपरेशन करेंगे आर फोर में माइनस करेंगे सिक्स टाइम्स ऑफ आर वन, ठीक है। हमने कल इसको देखा है, रेस्ट अपने आप हो जाएंगे, सावधान। देखो इसमें आपने किससे मल्टीप्लाई किया, टू टाइम्स, वो तो लिखा ना, तो पहला वाला रो वन टू थ्री ज़ीरो, इसमें टू से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा ज़ीरो, फोर में माइनस फोर करेंगे ज़ीरो आएगा, थ्री में माइनस सिक्स करेंगे माइनस का थ्री आएगा, टू में माइनस ज़ीरो करेंगे ज़ीरो आएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, टू टू ज़ा फोर, अब बताइए फोर माइनस टू करेंगे टू माइनस फोर करें, फोर माइनस टू करेंगे टू माइनस फोर करें, इसमें से इसको माइनस करेंगे ना, टू माइनस फोर यानी कि माइनस का टू आएगा, वन माइनस सिक्स माइनस का सेवन आएगा, थ्री माइनस ज़ीरो तो थ्री रहेगा, इधर क्या करेंगे इसको सिक्स तो ज़ीरो आ गया, क्या क्या आएगा बताइए, किसमें क्या करेंगे, सिक्स मल्टीप्लाई करना है, एट माइनस बारह तीन, दिख कम रहे हैं क्या, एक रो दो रो तीन ही रो दिख रहे हैं, अभी हम पहुंच रहे हैं ना वहाँ पर, उस रो में पहुंच गए हैं, पहला एलिमेंट लिख दिया है हमने, एट माइनस बारह यानी माइनस का फोर, सेवन माइनस अठारह माइनस का ग्यारह, फाइव माइनस ज़ीरो फाइव, ठीक, नोट करिए इसको, जगह बहुत लेगा, इसमें आ रहा है कैमरे की जद में आ गया, ठीक है, एक मिनट, ये सही किया, इसमें थ्री से मल्टीप्लाई करना है तो टू माइनस सिक्स हो जाएगा, माइनस का फोर आएगा, कौन जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है, ये क्यों एक्स्ट्रा क्यों आ गया, क्यों टू टाइम्स करेंगे जीरो नहीं आ जाएगा, नोट करिए इसको। अब एक चीज़ देखिए, इसमें ज़्यादा जीरो हैं, इधर देखिए इसमें कम जीरो हैं, इसको इंटरचेंज कर दो, इसको नीचे ले आओ इसको ऊपर ले जाओ, क्योंकि इसमें एक और जीरो आ चुका है, काफ़ी कुछ जीरो आने की संभावना है, मतलब आर टू और आर फोर को हम क्या करेंगे, इंटरचेंज कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, आर वन तो ऐसे रहेगा वन टू थ्री ज़ीरो, ये ऊपर चला गया ज़ीरो माइनस फोर माइनस एलेवन फाइव, यही आया ना, और ये आएगा ज़ीरो माइनस फोर माइनस सेवन थ्री, और ये आएगा ज़ीरो ज़ीरो माइनस थ्री ज़ीरो, अब देखिए पहला एलिमेंट तो क्या हो गया वन, कोई दिक्कत नहीं, इसके नीचे ज़ीरो हो गए, यहाँ पे आइए सेकेंड रो में क्या चाहिए आपको, ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, क्या कैसे निकालेंगे, आर टू में क्या करें आप, आर टू में आप डिवाइड कर दें माइनस फोर से वन लाने के लिए, ठीक कर दीजिए, ये मैट्रिक्स ए चल रही है, अब आप कहेंगे आपने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ नहीं किया जाता है, लेकिन अगर मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो उससे कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि रैंक हमको केवल देखनी है इसके अंदर से। अच्छा आर वन ऐसे रहेगा वन टू थ्री ज़ीरो, इसको आपने माइनस फोर से डिवाइड किया तो क्या बन जाएगा ज़ीरो, यहाँ बन जाएगा वन, यहाँ क्या बन जाएगा माइनस एलेवन बाई प्लस एलेवन बाई फोर, ये माइनस फाइव बाई फोर, यहाँ हो जाएगा ज़ीरो, ये हो जाएगा माइनस का चार, ये हो जाएगा माइनस का सात, ये हो जाएगा थ्री, और ये हो जाएगा आपका ज़ीरो ज़ीरो माइनस थ्री ज़ीरो, ठीक पहुँचिए यहाँ, हाँ ये आपका माइनस एट होगा, वही ये है ना ये वाला, ये माइनस एट होगा। अब देखो ध्यान से, अब ये आपका बन गया वन, ठीक है,
अब इसको क्या बनाना है, जीरो। कैसे बनेगा, आर थ्री में इसको फोर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो भाई, इसको फोर से मल्टीप्लाई करेंगे ये फोर बन जाएगा, इसको ऐड कर देंगे। ऑपरेशन किस में करना पड़ेगा, आर थ्री में। क्या करना है आर थ्री में, नहीं आर टू कुछ नहीं करेंगे आप केवल एक जीरो करिए, इसको कुछ नहीं करना है। आर थ्री में ऐड कर देंगे फोर टाइम्स ऑफ आर टू, यानी आर वन आर टू के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। आर वन क्या है, वन टू थ्री ज़ीरो, ज़ीरो वन, ग्यारह बटे चार, माइनस पाँच बटे चार। सावधान, इसमें से कुछ कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, इसमें से कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ज़ीरो आएगा। इसमें चार से गुणा करके किया तो क्या आ गया, ज़ीरो। यहाँ देखिए, ज़रा लिखने का तरीका देखिए, माइनस आठ में प्लस करना है ग्यारह बटे चार, चार से गुणा करके, तो चार चार कट जाए कितना आएगा, तीन आएगा ना, तीन आ गया। तीन में प्लस करना है माइनस पाँच बटे चार, चार से गुणा करके, यानी यह क्या आएगा, माइनस का टू हो गया। आर फोर ऐसे लिख दो, यही चलता रहेगा। अब आप कहेंगे ये बताइए कि इसमें भी तो टाइम लगता है, इसमें टाइम लगता है लेकिन गलती होने के चांसेस कम है, और आप फोर क्रॉस फोर की सब मैट्रिक्स निकालोगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ज़ीरो ज़ीरो माइनस थ्री ज़ीरो, ये हो गया ठीक। अब इधर आप कर दें तब बात करें। ज़रा इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या था देख लीजिए। नहीं हमारे इसमें नहीं है ना, कहीं गलती हो गई क्या, ये थोड़ा सा गलती है। इसको इससे चेंज किया था आपने, ये टू रहेगा, वो गलती से वो यहाँ से पता नहीं कैसे आगे नीचे जीरो बन गया, बन गया होगा। एक चीज़ देखिए, यहाँ क्या आना चाहिए, वन। इधर देखिए, ये टू कहाँ से आया है, ये पहले आर टू की जगह रहा था, आर टू से आर फोर आया था ना, इंटरचेंज हुआ था, वहीं से गलती हो गई है। देखो ध्यान से, सावधान, इसको हम वन बाद बनाएंगे, अगर इसको इसमें प्लस कर दें जीरो बन जाएगा ये, तो आप क्या करेंगे, आर फोर में एक ऑपरेशन कर दीजिए, आर फोर प्लस आर थ्री कर दीजिए। आप कहेंगे ये बताइए, इसको वन बना दीजिए, इसको वन बनाएंगे, लेकिन पहले हम इसकी मदद से इसको जीरो किए दे रहे हैं, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू वन टू थ्री ज़ीरो ज़ीरो वन, ग्यारह बटे चार, माइनस पाँच बटे चार, ज़ीरो ज़ीरो थ्री माइनस टू, ज़ीरो 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 ज़ीरो, एक कंप्लीट रो ज़ीरो हो गई ठीक। अब आपको इससे वन बनाना है, क्या करेंगे, आर थ्री में आप करेंगे, आर थ्री में करेंगे, आर थ्री को डिवाइड करेंगे थ्री से, तो क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू वन टू थ्री ज़ीरो ज़ीरो वन, ग्यारह बटे चार, माइनस पाँच बटे चार, ज़ीरो ज़ीरो वन, माइनस टू बाई थ्री, ज़ीरो 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 ज़ीरो। ये एचलॉन फॉर्म में आ गया। अब आप किसी भी तरीके से इसको कंप्लीट ज़ीरो नहीं कर सकते, कोई भी रो अब कंप्लीट ज़ीरो नहीं हो पाएगी, एचलॉन फॉर्म मिल गया है लास्ट तक ठीक है। पहला एलिमेंट वन, सेकेंड का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वन, थर्ड का फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट वन, और इसमें सब जीरो हो गई जा करके। तो चूंकि तीन कंप्लीट रो हैं जो कि नॉन जीरो हैं, तो यहाँ पर रो क्या होगी, रो ऑफ मैट्रिक्स थ्री होगी ठीक है। यानी आप अगर यहाँ से निकालें तो थ्री क्रॉस थ्री की एक ऐसी सब मैट्रिक्स निकलेगी जिसका डिटर्मिनेंट वैल्यू जीरो नहीं होगा ठीक। नोट करिए, इसमें कभी कभी एक वर्ड आता है नलिटी, एन यू डबल एल आई टी वाई, एन यू डबल एल आई टी वाई, नलिटी ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए ये एक्चुअली में ऐसे नाम है ना जो जनरली नहीं आते, नहीं पूछे जाते ठीक है। जैसे डिटर्मिनेंट में मैट्रिक्स में एक आता है ट्रेस ए, नहीं पढ़ा आपने इंटर में, ट्रेस ए, डिटर्मिनेंट ट्रेसिंग कहाँ जाएगी। अब ट्रेस से हमने नहीं पढ़ा,
क्योंकि सिंपली वो जनरल बोलचाल भाषा में कहीं यूज़ होता नहीं। होता क्या है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर लिखी है 1 2 3 1 4 5 2 4 6 कोई स्क्वायर मैट्रिक्स लिखी है, ठीक है, और अगर आपको ट्रेस ए निकालना है तो आप क्या करेंगे, इसके डायगोनल एलिमेंट को प्लस कर दो, जो प्रिंसिपल डायगोनल 4 1 5 6 5 11 11 हो गया। जनरली हमने ज़्यादातर नहीं पढ़ा है, पढ़ा इंटर में था ये, एक बार उसमें पूछा गया था यूपी सीट में, यूपीटीयू इसको आप कहते हैं। देखो नलिटी क्या होती है, नलिटी का फॉर्मूला होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स माइनस रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये याद करिए, ठीक है। जैसे इसके पहले का जो एग्जांपल आपने लिया उसका ऑर्डर क्या है, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स का कि उसी में ऑर्डर आप लिख सकते हैं। इसके पहले जो आपने मैट्रिक्स लिया है उसका ऑर्डर क्या था, 4 4 बाई 3 4, और उसकी रैंक कितनी थी, 3, तो इसकी नलिटी कितनी हो जाएगी, 1, ये नलिटी है, ठीक है। और नलिटी का मतलब होता है ये नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज हैविंग ऑल द एलिमेंट जीरो, ऑल द एलिमेंट्स जीरो। तो इसके पहले जो आपने अभी एग्जांपल किया है इसमें कितनी रोज थी जिसके कंप्लीट एलिमेंट जीरो थे, एक रो थी ना नीचे वाली, एक ही थी ना, तो उसकी नलिटी होगी जाकर के, ठीक है। नंबर ऑफ रोज जो जीरो नहीं होंगे वो रैंक हो जाएगी, और जो बचेगी जो कंप्लीट जीरो होगी वो उसकी नलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स बाई एचलॉन फॉर्म हो गया, ठीक है।